गुड मॉर्निंग राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा। यह सेट विशेष रूप से आपको काम देगा एसएससी सीजीएल, इसमें यह विशेष रूप से आपको काम देगा। साथ साथ सीएचएसएल एमटीएस, रेलवे का एएलपी और एनटीपीसी, बिहार एसएससी, बिहार दारोगा, बीपीएससी टीचर और अन्य परीक्षाओं में 25 क्वेश्चन का आपका यह रीजनिंग का सेट है, जो सीरीज का 54 नंबर का सेट है। आप और प्रैक्टिस के लिए इसके पहले जो 53 सेट्स दिए गए हैं, आप उन्हें भी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका सिंबल का मीनिंग का दिया हुआ है। कहा गया 60% 15 का अर्थ होता है 4, तो यहां पर आपका परसेंट का अर्थ हो गया भाग देना। 60 को 15 से भाग देंगे तो 4 होगा, यानी जहां परसेंट है वहां भाग का चिन्ह लगा दो। 12 at the rate 8, तो 12 at the rate 8 का अर्थ होगा यहां पर माइनस, 12 में 8 घटेगा तो 4 होगा, तो 12 में 8 घटा तो 4 है, तो जहां एट द रेट है यहां माइनस का चिन्ह लगेगा। 15 और 5 ये 20 है, यानी डॉलर का अर्थ हो गया प्लस, तो यहां पर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और 5 गुना 4 बराबर 20 है, तो ये गुना का चिन्ह लगेगा। जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप बॉडमास का यूज करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो यहां पर डिवीजन का चिन्ह है, हम सबसे पहले इसे यूज करेंगे, यानी 18 को आप 12 से भाग दीजिएगा तो ये 1.5 डेढ़ आएगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो डेढ़ को आप 6 से गुना करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब आप 27 को ले आइए, 27 प्लस 9 माइनस 3, ये रहेगा आपका 27 और 9 36, 36 में 3 घटेगा ये 33, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमेशा आप बॉडमास का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका कहा गया, जो आपका वेन डायग्राम पर आधारित है, इसमें एक आपका लस्सी दिया हुआ है और एक कैरेक्टर आपका कॉफी दिया हुआ है। कहा गया कि समूह में 60% व्यक्ति लस्सी पीते हैं, तो यहां पर ये पूरा पोर्शन हो गया प्रतिशत में 60%, तो ये दोनों बच जाएगा, जो यानी दोनों देखिए बाहर जो नहीं पिएगा वो और केवल कॉफी, ये मिलाकर 40% होगा। तथा 40 व्यक्ति, ये परसेंट नहीं है, 40 व्यक्ति कॉफी पीते हैं, ये बात में यूज करेंगे। 10% व्यक्ति न कॉफी न लस्सी पीते हैं, यानी बाहर का एरिया हो गया 10%। तो ये दोनों मिलकर अगर 60 है और ये 10 है 70, तो केवल कॉफी पीने वाले अगर प्रतिशत के हिसाब से चलेंगे तो 30% होगा। चारों एरिया मिलकर 100% यानी टोटल होना चाहिए। अब कहा गया कि 10 व्यक्ति कॉफी एवं लस्सी दोनों पीते हैं, अब हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, 10 आदमी कॉफी और लस्सी दोनों पिएगा और 40 व्यक्ति कॉफी पिएगा, इसका मतलब ये 30 हो गया। तो 30% बराबर 30 व्यक्ति, तो 1% बराबर 1 व्यक्ति, तो पूछा गया टोटल कितना होगा, तो 100% बराबर 100 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। तो सोचिए यहां जो 60% था ये 60 होगा, तो ये 50 और ये 10, 50 10 60 30 90 और 10, ये 100 हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर था। इस तरह का जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कहता है कि ये जो सिंबल है उसमें कौन सा इक्वेशन सेट करेगा। आपके चारों विकल्प में इक्वल टू लास्ट में है, इसलिए यहां पर ये तो रहेगा ही रहेगा। इसका ये अर्थ हो गया कि इधर 130 अगर होल नंबर है तो इधर कहीं फ्रैक्शन डेसिमल नहीं आना चाहिए। भाग का चिन्ह कहां पर यूज करना है वो देखिए, इस केस में भाग का चिन्ह चौथे जगह, यहां भी चौथे जगह हम इसे यूज करते हैं। पहले बोले अगर यहां यूज करेंगे तो 133 को 19 से भाग देंगे तो ये 7 आ जाएगा रिजल्ट। अब इस केस में आप जब यूज करते हैं तो देखिए यहां भी गुना है, यहां भी गुना है, इसमें भी गुना, इसमें भी गुना,
तो आप यहाँ गुना लीजिए, 14 × 7 = 98 होता। ये दोनों ए और डी को दोनों एक साथ हम काम कर रहे हैं। अब ये 39 और ये 7 इसका रिजल्ट आया, तो इसको अगर प्लस करेंगे तो 39 आप जोड़िएगा 137 होगा, ये माइनस 7 करेंगे तो 130 होगा। यानी आपके आंसर में पहले गुना होना चाहिए, फिर जोड़ होना चाहिए, फिर घटाव होना चाहिए, फिर भाग होना चाहिए, फिर इक्वल टू होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा था। इस तरह का जब क्वेश्चन आपको रहेगा नंबर्स दिया हुआ, तो नंबर्स को आप कॉलम वाइज ऐसे ऊपर से नीचे या रो वाइज बाएं से दाएं आप उसको चेक करेंगे, उसको देखेंगे वो किस पैटर्न पर बन रहा था। इस दोनों को हम ऐड करते हैं, 23 और 31 ये हो जाएगा 54, और उसमें 54 में से 42 घटाते हैं ये हो जाएगा 12, 12 को पलट देंगे तो हो जाएगा 21, ये 21 बनेगा। इस दोनों को आप ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 140, फिर 140 में ये 127 को आप घटा दीजिए, 140 में से 127 घटाएंगे तो ये आएगा 13, 13 को पलट देंगे तो रहेगा 31। यहां जैसे डिजिट 12 पलट कर 21, 13 को पलट देंगे 31, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा था। 45 को जरा चेक करते हैं कि 45 आएगा कि नहीं, इसको जोड़ते हैं 18, 7, 25 250 और 10 260, 260 में 206 घटा देंगे, ये माइनस करेंगे तो आएगा 54, 54 को रिवर्स करेंगे तो ये रहेगा 45, ये ऑप्शन नंबर डी में आपका मिल रहा था। यहां एक सीरीज आपका दिया हुआ है नंबर सीरीज, अगर किसी नंबर सीरीज में नंबर जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अचानक बढ़ जाए तो हिंट मिलेगा, मैं गुना का काम करूंगा, जहां सबसे ज्यादा जंप लगेगा आप सबसे पहले वहीं पर पढ़ेंगे। जैसे 366 को अगर हम दुगुना करेंगे तो ये 732 होगा, 36 × 72 720 और 6 × 12 732 होगा। अगर आप यहां भी देखिए गुना करते हैं, गुना दो है, 30 को 3 से गुना करेंगे 90 + 1, ये सिर्फ गुना दो जीरो मान सकते हैं, ये प्लस एक। 91 को अगर आप 4 से गुना करेंगे तो 9 × 4 = 36 360 और 4 = 364 प्लस दो, तो गुना दो प्लस जीरो गुना तीन प्लस एक गुना चार प्लस दो फिर गुना दो प्लस जीरो, ये वाला पोर्शन रिपीट हुआ, तो ये चीज अब रिपीट होगा, यानी गुना 3 प्लस 1 होगा 732 गुना 3, 700 गुना 3 2132 गुना 3 96, 2196 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2197, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कहता है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स हैव ऑल डिजिट्स एज इवन नंबर, तीन अंकों की संख्या है, आपके जो इवन नंबर्स होते हैं वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ये इवन है आपका डिजिट। तो अब इस केस में आपका यहां 0 नहीं हो सकता, अगर 0 आएगा तो 0 कंसीडर शुरू में नहीं करते हैं तो दो अंकों की ही संख्या कहलाएगी, इसलिए यहां 2, 4, 6, 8 में कुछ भी होगा, यानी 4 अंक में से कोई भी एक अंक यूज करेंगे। लेकिन इस स्थान पर 0 भी आ जाएगा, यानी 5 में से कोई एक यूज करेंगे, और यहां भी आप 5 में से कोई एक यूज करेंगे, इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते थे। आंसर आपका तैयार है, 4C1 का रिजल्ट 4, 5C1 का 5, फिर 5C1 का 5, 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। एक पैटर्न में पोटैटो को APOOTT तथा कैबेज को CEGAABB लिखते हैं, तो एक बात ध्यान दीजिए, पोटैटो के जितने अक्षर हैं उनको यहां मैंने लिखा, ये वर्णमाला का आरोही क्रम नहीं है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर होता तो A के बाद O आता,
कैबेज की बात करेंगे तो पहले ए आना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जिनका सिंगल यूज है वो पहले है, जिनका डबल यूज है वो बाद में है। देखिए ना, पोटैटो में भी ए और पी का सिंगल यूज है, ओ का और टी का डबल यूज है। जो सिंगल यूज है वो अल्फाबेटिकल बढ़ रहा था, ये भी अल्फाबेटिकल बढ़ रहा था। सिंगल सी के बाद ई, ई के बाद जी, ए के बाद बी। तो इंजन की बात करेंगे तो इस केस में ई जो है आपका डबल यूज है, एन भी आपका डबल यूज का है, और जी और आई सिंगल यूज का है। तो पहले जी आएगा तब आई आएगा, ये सब सिंगल यूज का, ये डबल यूज का है। तो आंसर जी आई डबल ई डबल एन, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन में ए और बी भाई हैं, ए यहां लिखा बी यहां लिखा। बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष की थी, यानी जब ये 0 साल तो ये 4 साल का था। अभी बी की आयु 18 वर्ष है, बोले अभी बी की आयु अगर 18 वर्ष है तो इसके भाई की आयु 22 वर्ष की हो जाएगी, और बी के पिता की आयु 52 वर्ष की है। तो ये उनके पिता हैं फादर, और अभी इनकी आयु 52 वर्ष की है। तो यहां पर ये 52 और 22 30 वर्ष का अंतर है, यानी जिस समय ये साहब 0 रहे होंगे ये 30 रहे होंगे, तभी तो ये अंतर 30 का बरकरार रहा था। अर्थात ए के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, तो उत्तर हो गया 30 वर्ष की थी, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको एक कागज का टुकड़ा देकर उस पर बना हुआ चित्र है और मुड़कर खन बनाया जाता है, कौन संभव है ये आपसे पूछा गया, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इधर का ये जो फिगर है ये आपका ऐसे ही घूमता रहेगा ये सब तरफ, लेकिन ये एरो जब जाएगा तो एरो का ये सिर इधर हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे रोटेट होगा, इस तरफ से ये रोटेट होगा तो एरो बाहर जाएगा, और यहाँ से आपका रोटेट होगा तो एरो नीचे होगा। तो ये रोटेशन 90 डिग्री का होगा, उसको ध्यान दीजिए। देखिए एरो का जिधर सिर है उधर स्क्वायर है, जबकि एरो के सिर के तरफ तो ये सर्कल दिया हुआ है। एरो के सिर जिस तरफ में है उधर सर्कल है, यहाँ स्क्वायर है, इसलिए ये गलत है। एरो का जो टेल है उधर ए लिखा हुआ है, जबकि एरो के टेल के तरफ इक्वल टू होना चाहिए, यानी ये ऐसे एरो होना चाहिए था, इस कारण से 3 नंबर भी गलत है। ए का जिधर सिर है उधर इक्वल टू है, देखिए इधर इक्वल टू है, तो अगर आप इस काले बिंदु से लेंगे तो इक्वल टू और ए एक क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में है। तो काले बिंदु से आइए, काला बिंदु इक्वल टू और ए एक क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में है, सेम अरेंजमेंट यहां भी दिख रहा था, ये ऑप्शन नंबर 2 केवल काम करेगा। इस क्वेश्चन में आते हैं कि एक पंक्ति में राकेश एवं सुरेश के बीच 12 व्यक्ति हैं, बाएं छोर से राकेश 18 नंबर पर और दाहिने छोर से सुरेश 20 नंबर पर है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। यहाँ ये नहीं स्पष्ट है कि राकेश के दायां सुरेश या बायां सुरेश, इसका एक तरीका क्या होता है कि जब दो व्यक्ति का आपस में रिलेशन रहे और बायां दायां नहीं क्लियर रहे तो दोनों कंडीशन आप तुरंत बना लें। दोनों कंडीशन का मतलब ये कि राकेश के दाहिना भी सुरेश हो सकता है, राकेश के बायां भी सुरेश हो सकता है, ये दोनों कंडीशंस बना लीजिए। राकेश और सुरेश के बीच 12 व्यक्ति हैं तो हम यहाँ 12 और यहाँ 12 रख देंगे। बाएं छोर से राकेश 18 नंबर पर, यानी इसमें इधर से 18 का मतलब 17 के बाद ये 18, यानी राकेश के बाएं 17 व्यक्ति चाहिए, तो राकेश के बाएं 12 एक 13 4 17, ये 17 आदमी इसके बाएं हो गया। फिर कहा गया कि दाहिने छोर से सुरेश 20वें नंबर पर है, यानी ये व्यक्ति इधर से 20 नंबर पर है तो 19 के बाद एक 20 होगा, यानी एस के दाहिने 19, 12 एक 13 6 19, दोनों कंडीशन अभी आपका करेक्ट चल रहा था। टोटल की बात करते हैं तो 19 एक 20 और 12 32 और एक 33 और 17 50, और इसकी बात करेंगे तो 6 और एक 7 12 7 19 एक 20 और 4 24, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 24 भी करेक्ट है, 50 भी करेक्ट है, तो आंसर हो गया मोर देन 1 करेक्ट,
ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसमें आंसर। आंसर ध्यान दीजिएगा, ये दीजिएगा ऑप्शन डी। इसमें ए ऑप्शन भी करेक्ट है और सी ऑप्शन भी करेक्ट है। वर्तमान में ए तथा बी की आयु का औसत 20 वर्ष है। ये ए है, ये बी है। वर्तमान में, ये अगर हम वर्तमान की बात करें तो इनकी आयु का औसत 20 वर्ष है, यानी इनका जोड़ 40 होगा। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। देखिए, अगर 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो दोनों में 5-5 साल घट जाएगा, तो 30 साल होगा दोनों का एज। ये 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे थे। तो ये सब आपको ये नहीं लिखना है 5 वर्ष पूर्व, आप रफ में केवल ये लिखेंगे कि 5 साल पहले ये भी 5 साल छोटा, ये भी 5 साल छोटा, तो 10 साल छोटा हो गया, तो 30 हो जाएगा आपका। और इस समय जब ये था तो ए और बी का जो रेशियो था वह इसका ये 4 गुना था, यानी ये 4x तो ये x होगा, ये x तो ये 4x होगा। 5x बराबर 30 तो वह x बराबर 6, यानी ये 6 साल और ये 24 साल का था। तो ये 5 साल पहले, वर्तमान की बात करेंगे तो ये 24-5-29 हो जाएगा और ये 6-5-11 दोनों का जोड़ 40 हो गया। अब कहता है कि 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद 29 में 5 जोड़ेंगे ये 34 होगा और 11 और 5 16 होगा। इनके आयु का आपसे रेशियो पूछ रहे थे, तो 34 16 को अगर आप लेते हैं, 2 से विभाजित है, ये 17 और 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में ए जो है वह पूरा 1000 मीटर दौड़ेगा और बी को उसने कहा कि आप मुझसे 40 मीटर आगे रहना। इसका मतलब बी जितने देर में ए 1000 मीटर दौड़ेगा, बी 960 मीटर ही दौड़ेगा, और सी को कहा कि तुम 64 मीटर ही आगे रहो मुझसे। तो ये 64 मीटर अगर आगे रहेगा तो जितने देर में ए 1000 मीटर दौड़ेगा, ये 1000 में 64 घट जाएगा, ये 936 मीटर ही दौड़ेगा। यानी आपके क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार ए जितने देर में 1000 मीटर दौड़ता है, बी उतने ही देर में 960 दौड़ता है और सी उतने ही देर में 936 दौड़ता है। अब 1 किलोमीटर के रेस में सी को बी से कितने मीटर की बढ़त प्राप्त होगी, तो केवल ये घटा करके आप 24 नहीं कर सकते हैं, ये नहीं दीजिएगा, ये गलत होगा। 1 किलोमीटर का रेस है यानी 1000 मीटर, तो सोचिए 960 जब ये दौड़ता है तो सी 936 दौड़ता है। जब बी आपका 1000 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, ये आपसे पूछा गया। 100 गुना 936 बटा 960, ये 0 और 0 काट दीजिए, ये 4 से कटेगा 24 बार, ये 25 बार। 24 से अगर इसको भाग देंगे तो 24 देखिए 24 गुना 3 आपका 24 गुना 3 हो जाएगा 72, बच गया यहां पर आपके पास 21 यानी 216, 24 गुना 9 तो आंसर हो गया 25 गुना 39। इसको आप ऐसे लेकर चलिए 25 गुना 40 1000, उसमें एक 25 कम होगा 975, यानी ये जब 1000 दौड़ेगा तो वो 975 ही दौड़ेगा, तो कितने मीटर की बढ़त देगा, तो 1000 में से 975 घटा दीजिएगा, 25 मीटर की बढ़त देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एक लेटर सीरीज आपका दिया हुआ है, ए बी लगातार अक्षर है, ध्यान दीजिएगा, ए बी है सी घूमने गया, ए बी सी डी, ई है एफ घूमने गया, ई एफ जी एच, आई नहीं है, देखिए आई जे के एल, एम है एम एन ओ, यहां पी नहीं है, फिर क्यू आर एस गायब है। तो आप देखिए हर एक समूह में एक अक्षर गायब है, यहां पर इस स्थान का गायब है, यहां यहां पर एक शिफ्ट होकर बायां आया, यहां और शिफ्ट होकर यहां गया और ये फिर लास्ट में चला गया, फिर ये शिफ्ट होकर इस प्लेस पर आएगा, तो नेक्स्ट जो होगा वो यहाँ का अक्षर गायब होगा, यानी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये वाला अक्षर गायब हो जाएगा,
आंसर UWX भी जो है आपका गायब अक्षर हो जाएगा, जो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पर यहाँ, तो आंसर UWX हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पी के चाचा क्यू हैं, क्यू की माँ डी है, ये पी है, उसके चाचा क्यू हैं, क्यू मेल है और क्यू की माँ डी है तो डी फीमेल है, डी का भाई आर है, डी का भाई आर है, आर मेल है, आर की माँ जी है, आर की माँ जी है तो जी फीमेल है, वह डी की भी माँ हो गई, और जी की पुत्री एन है, तो सोचिए जी है उसकी पुत्री एन है तो यह भी फीमेल हो गई। अब क्वेश्चन है एन क्यू की कौन है, बतलाओ, ये रही एन और ये रहा क्यू, तो ये क्यू की माँ है और माँ की ये बहन हो जाएगी, तो माँ की बहन मौसी हो जाएगी, आंसर ऑप्शन नंबर सी मदर्स सिस्टर। छह फैले बिंदुओं से कितनी रेखाएं बन सकती हैं? देखिए एक रेखा बनाने के लिए मुझे दो पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट मिला देंगे तो ये लाइन होता है, आपके पास कुल छह है, इसमें से कोई दो पॉइंट कोई भी दो पॉइंट चुन लोगे लाइन बन जाएगा 6C2। सॉल्व कैसे होता है, देखिए यहां टोटल पॉइंट्स, यहां रिक्वायर्ड पॉइंट्स होता है, एक लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए इसलिए यहां नीचे दो लिखाया, सॉल्व ऐसे होगा छह लिखिए घटते क्रम में गुना कीजिए, छह गुना पांच, यहां दो लिखा है इसलिए दो ही टर्म जाएगा, डिवाइडेड बाई ये दो लिखकर एक तक लगातार गुना करें, छह पचे तीस बटा दो ये रहेगा 15, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 ये लिखा हुआ है, लगातार नंबर है यानी डिफरेंस बराबर है, तो 16, 16, 32, 32, 16, 48 लेकिन यहां नहीं आया, ये 20, ये 20 नहीं है, या 18, 18 लेकिन यहां फिर 18 नहीं है, ये 24, 24 ये फिर आपका 24 यहां फिर गड़बड़ है, इसको आप ऐसे सोचें इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, एक और दो जोड़ेंगे तो तीन आएगा, 16 और 32 जोड़ेंगे 48 है, 20 और 40 जोड़ेंगे ये 60 नहीं है, 18, 36 जोड़ेंगे 54, 24, 48 जोड़ेंगे 72, ये तो कैंसिल हो गया। चार के लिए इन दोनों को अल्टरनेट एक और तीन को जोड़कर चार, तो 16 और 48 जोड़ करके 96 तो होगा नहीं, 18, 54 जोड़कर 324 तो होगा नहीं, अब यहां सोचते हैं ये वाले दो को हम दुगना भी कर सकते हैं, देखिए इसका दो तरीका है, दुगना भी कर सकते हैं और हम दो का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो इस केस में 32 का न ही दुगना है न ही स्क्वायर है, ये गलत, ये तो ऐसे भी गलत हो गया, 36 का न ये दुगना है न ही स्क्वायर है ये भी गलत, इस केस में यहां 48 का ये स्क्वायर हो जाएगा, 48 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2304, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, इस केस में आपका स्क्वायर का नियम आ गया 24 + 48 = 72 और ये 48 का स्क्वायर बराबर 2304, यही नियम आपका यहां भी लग रहा था। कितने प्रकार से शब्द इंजन के अक्षरों का क्रम बनाते हैं कि सभी स्वर लगातार रहें? देखिए स्वर है यहाँ ई, फिर है आई और फिर है ई, ये तीनों लगातार क्रम में रहना चाहिए, इसके बाद जो अक्षर बच गया वो कॉन्सोनेंट्स थे एन जी और एन, हम इसको पूरा एक यूनिट माने, अब आपके पास एक अक्षर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये चार कहीं भी इधर से उधर घूम सकता था, तो फैक्टोरियल 4 होता है इसका तरीका निकालने का, और ये तीनों आपस में अंदर अंदर भी तो इधर उधर बदलेगा, तो ये तीनों का अरेंजमेंट जो हो गया वो फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, लेकिन अभी नहीं हुआ है, यहां ई डबल है, जब भी कोई अक्षर डबल होता है वो फैक्टोरियल
फैक्टोरियल नीचे डिवाइड हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ एन भी आपका डबल है, देखिए एन भी डबल था वहां, इसलिए ये फिर एक फैक्टोरियल 2 हो जाएगा एन के लिए। तो फैक्टोरियल 4 हो गया 24, फैक्टोरियल 3 हो गया आपका 6, और ये हो गया 2 और ये 2, तो 2 गुना 2 4, 4 24 से लेगा 6, 6 गुना 6 बराबर 36 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए था। पांच भाइयों ए बी सी डी तथा ई में बी एवं सी से लंबा डी है, केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है। देखिए केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है, पांच भाई है, जगह बना दिए, और इसका नाम ए नहीं है। केवल एक व्यक्ति सी से नाटा है, सी से नाटा एक ही आदमी है, और इसका नाम भी ए नहीं है। तो ए यहां भी नहीं, ए यहां भी नहीं, ए कंफर्म यहां जाएगा। बी और सी दोनों से डी लंबा है, तो बी और सी अगर दोनों से लंबा है तो सी से लंबा डी यहां, और ये बी से भी लंबा है ये यहां। क्वेश्चन है सबसे लंबा कौन है, आंसर हो गया ये डी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी में है ये। जब कभी कोई क्वेश्चन अल्फाबेटिकल ऑड मैन आउट का आता है तो इसमें सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ग्रुप को बढ़िया से पढ़ेंगे। वर्णमाला में इनका स्थान देखिए, ये 7 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 6 है। 7 से 12 प्लस 5, 12 से 4 माइनस 8, 4 से 6 प्लस 2। अब ये जो चीज आप रिलेशन पढ़िएगा, यही रिलेशन सब पर अप्लाई कीजिए। ये 14 है, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में 8 घटेगा 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, मिल गया आपका पैटर्न। ये 18 है, 18 में 5 ऐड कर दिए 23, 23 में 8 घटाएंगे तो 15, 15 में 2 बढ़ाएंगे तो 17। ये 15 नहीं है, ये तो 14 है, यहाँ पर ये गड़बड़ कर दिया। इसको देखिए, 11 है, 5 बढ़ा दिए 16, 16 में 8 घट गया 8, 8 में 2 बढ़ गया 10, ये तालमेल बैठ गया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर एन के जगह पर ओ रहना चाहिए था। अगर क्वेश्चन आपका लेटर सीरीज इस ढंग से मिलता है जहां बीच बीच में खाली जगह है, इसका सॉल्व करने का एक तरीका, एकमात्र नहीं एक तरीका यह है, बिना गैप का सबसे बड़ा समूह लीजिए। देखिए बिना गैप का सबसे बड़ा समूह एसीबीसी, आप इस एसीबीसी को लिखने का प्रयास कीजिए। एसीबीसी के पहले बी लिखा है, हम यहां बी लिखे, ये फिर हो गया एसीबीसी, उसके पहले हम यहां बी लिखेंगे, ये फिर हो गया एसीबीसी, हम यहां बी लिखेंगे। अगर ये बराबर दूरी पर इस तरह से लिखाते चला गया, इसका मतलब आपका आंसर तैयार है। ए, एक बी, दो तीन चार बार बी है और सी, ये आप खाली स्थान पर भरते हैं जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, यानी ए चार बार बी और सी। ए बी सी डी चार अंक हैं जिनका रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है, बी प्लस बी बराबर डी, बी गुना बी बराबर डी, यानी ये दोनों बराबर है। तो ऐसा नंबर सोचो जिसको जोड़ने पर, अंक है देखिए डिजिट है, ऐसा डिजिट सोचना है जिसको जोड़ने पर आपका और गुना करने पर समान रिजल्ट आना चाहिए। जीरो और जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन जीरो और आपका जीरो और जीरो जोड़े जीरो, जीरो गुना जीरो बराबर ये, जीरो माइनस जीरो, जीरो भाग जीरो, ये नहीं आ पाएगा। जीरो माइनस जीरो भी आपका सी जो है वो जीरो ही रहेगा, लेकिन ये वैल्यू फिर डी आना चाहिए, तो ये तालमेल नहीं बैठ रहा था। अगर हम यहां दो लेते हैं, यहां भी दो, बी का वैल्यू दो लेते हैं अगर आप, तो दो और दो जोड़कर चार, तो डी का वैल्यू चार आया, फिर दो गुना दो भी रहेगा, ये भी बराबर चार, और 2 माइनस 2 बराबर या आपका ये वैल्यू 0, तो C का वैल्यू हो गया 0, और 2 भाग 2 जो रहेगा ये वैल्यू 1, A का वैल्यू 1 रहा आपका। तो D माइनस B
माइनस ए, चार में दो गया दो, दो में एक गया एक, एक में जीरो जाएगा, ये एक ही रहेगा। एक का मतलब आपका ए रहेगा आंसर, ए है ऑप्शन नंबर सी पे, ये जाएगा आपका आंसर। कहा गया देखिए इस तरह से फिगर दिया है, फिगर देख करके आपको बतलाना है कि प्रश्न चिन्ह वाले जगह पर क्या आएगा। जो इस तरफ का फिगर है वो उठकर यहां गया और 90 डिग्री आप देख लीजिए क्लॉकवाइज घूम गया और ये बन गया आपका, ये वाला फिगर 90 डिग्री क्लॉक। तो यहां से ये फिगर इस तरफ जाएगा, 90 डिग्री क्लॉक घूमेगा, तो 90 डिग्री क्लॉक घूमने का मतलब इस तरफ से ऐसा फिगर बनेगा। ये ऑप्शन डी और सी में नहीं था, ए और बी में है। अब जो इसकी दूसरी आकृति है वह देखिए, ये वाला फिगर यहां जाता है और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमता है। तो यहां से भी हम इस फिगर को 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएंगे, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक में ये टी ऐसे नीचे हो जाएगा, तो नीचे वाला टी जो है वह ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा था, आंसर हो गया ए वाला विकल्प। इस क्वेश्चन में आपका देखिए दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस टी यू तथा भी एक पंक्ति में उत्तर दिशा में चेहरा किए बैठे हैं, पी तथा क्यू के बीच दो व्यक्ति हैं जो आर और एस नहीं है। इसमें क्लियर नहीं होता है पी के दाहिने की होगा कि बायां क्यू होगा, नहीं स्पष्ट है, लेकिन अगले वाक्य में देखिए स्पष्ट है, क्यू के ठीक बाएं एस है, इसलिए जिस सेंटेंस में स्पष्ट है आपके उसको यूज करना चाहिए। क्यू के ठीक बाएं एस है, जिसके, जिसके का मतलब एस के लिए, दाहिने दूसरे स्थान पर यू है, पहला ये दूसरा, ये आपका उस सेंटेंस से ये रिलेशन बना। अब आप उसको यूज करें, पी और क्यू के बीच दो व्यक्ति है जो आर और एस नहीं है, इसलिए पी को अगर मैं इधर रखूंगा, ध्यान दीजिएगा, और दो आदमी के बाद तो एस बीच में आ जाएगा, इसलिए आप इधर नहीं रखिए इसको, इस तरफ रखिए। पी और क्यू के बीच दो आदमी है और ये दो आदमी में देखिए आपका एस नहीं है, एस तो इधर बैठा है, आर भी नहीं आना चाहिए। फिर अगला सेंटेंस है आर एवं बी पड़ोसी है, तो आर और बी पड़ोसी, साथ में से दो इधर भी हो सकता है तो उधर भी हो सकता है, लेकिन वी का स्थान पी के बाएं नहीं है, यानी पी के बाएं तरफ कहीं भी नहीं भी रहेगा, तो वी इधर रहेगा। अगर यहाँ आर तो यहाँ भी, या यहाँ आर तो यहाँ भी, ये पी के बाएं भी नहीं रहा, तो इस केस में आपके पास नाम जो था उसमें टी बच गया। क्वेश्चन है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा हुआ है, सात व्यक्ति में जो दोनों तरफ से चौथा व्यक्ति होगा वो मध्य होगा, तो इस केस में देखिए एक दो तीन, इधर से भी एक दो तीन, ये मध्य हो गया, तो मध्य में आपका टी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है। कितने अंकों के ठीक बाद सम नहीं है, बोले सम अंक नहीं है का मतलब विषम होना चाहिए, तो विषम अंक जहां रहेगा उस वो ध्यान दीजिएगा, ये तो सम हो गया, ये सम है, ये रहेगा एक, इसके बाद आपका एक विषम है, सम नहीं है, इसके बाद सम है, इसके बाद देखिए ये हो गया, इसके बाद विषम है आपका, फिर आपका विषम संख्या चार दो आठ छः ये हो जाएगा, इसके बाद एक विषम है, नौ भी रहेगा, नौ के बाद एक विषम अंक है, फिर विषम अंक आपका सात हो गया, छः के बाद ये सात होगा विषम अंक, ये भी काउंट होगा, इसके बाद ये पांच हो जाएगा, और यहां पर ये काउंट हो जाएगा, इसके बाद एक विषम है, तो टोटल ऐसा सात अंक आपके पास था, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस सेट में है आपका, जो आपका ब्लड रिलेशन से देखिए दिया हुआ है, लास्ट में जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ ना भी है वह ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है, पी क्यू आर एस टी यू परिवार के सदस्य हैं तीन तीन छः, क्यू और आर फादर्स हैं, टी और एस मदर हैं, माँ हैं, यू इज ग्रैंड सन ऑफ क्यू। हम इससे शुरुआत करेंगे जो अधिक जनरेशन यूज करता है, क्यू का पोता यू है, ये क्यू है, इसके पोता का नाम यू है, तो यू मेल है। अब इनसे रिलेटेड डेटा लेंगे, ये है रिलेटेड, यू की बहन पी है, बोले यू की बहन का नाम पी है, तो पी हो गई फीमेल, ये इसकी बहन है,
क्यू का नाम यहां भी आ रहा था, इसमें देखिए क्यू और आर पिता हैं, तो क्यू हो गया मेल। अब इस केस में यू के भी तो पिता, तो दादाजी हैं, कोई पिता होगा तो आर उसके पिता हो गए, ये मेल। क्यू और आर दोनों पिता, ये इसके पिता, ये इसके पिता। टी और एस मदर हैं, तो यहां पर इनकी पत्नी का नाम और इनकी पत्नी का नाम, ये दोनों में से टी और एस कुछ होना चाहिए। कहता है पी की माँ टी नहीं है, बोले पी की माँ का नाम टी नहीं है तो टी दादी हो जाएगी और यहां पर आपका एस माँ हो जाएगी, तो इसकी माँ ये है और इसकी माँ ये है। अब इसमें कौन सा वाक्य सही है बतला दो, यू की माँ एस है, हाँ सही है, यू की माँ एस है, ये वाक्य सही था आपका ऑप्शन नंबर ए, एस इज मदर ऑफ यू। आर इज हस्बैंड ऑफ टी, नहीं आर जो है एस का हस्बैंड है, ये गलत है। एस इज वाइफ ऑफ क्यू, एस इज वाइफ ऑफ आर है, ये भी गलत है। एस इज मदर ऑफ आर, एस जो है आर की वाइफ है, मदर नहीं है, ये भी गलत है। तो इस केस में आपका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह से अभी आपका एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन आने वाला है, अगले महीने से आपका सितंबर से शुरू हो रहा है और लंबे समय तक चलता रहेगा, अलग अलग दिन लोगों का आपका एग्जाम का डेट आया है, तब तक हम लोग प्रैक्टिस करवा देंगे आपको एसएससी सीजीएल के लिए, रीजनिंग का, मैथ का, इन सभी का क्वेश्चंस आपको बनवा देंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।